हेलो फ्रेंड्स, ऑल इन वन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं देखिए ये दो कलर का पैटर्न लेकर आपके साथ शेयर करने आई हूँ। ये पैटर्न देखिए, ये दो कलर में है। ये मैं न्यू बॉर्न बेबी का स्वेटर बना रही हूँ, मैं इसमें डाल रही हूँ। वैसे आप अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग कहीं भी डाल सकते हैं। ये कार्डिगन में भी काफ़ी खूबसूरत लगेगा और जेंट्स के हाफ स्वेटर में भी काफ़ी खूबसूरत लगेगा। ये देखिए, ये दो कलर के हैं बट एक साथ में एक कलर का ही बुनाई करते हुए ये पैटर्न बनेगा। और चार के मल्टीपल में इसमें फंदे डालने हैं और सात सिलाई में ये पैटर्न बनकर एक रो, ये जो पैटर्न है वो सात सिलाई में बनकर तैयार होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो देखिए इसमें क्या किया हूँ मैं, इसमें मैंने टोटल 22 फंदे डाले हुए हैं और छः सिलाई की इसमें बुनाई कर चुकी हूँ सीधे उल्टे की। ये सीधे उल्टे की राइट साइड से मैं ये सीधे की बुनाई की हूँ और रॉन्ग साइड से मैं ये उल्टा बुनाई की हूँ। इस तरह से मैं छः सिलाई बुनाई कर चुकी हूँ और सातवें सिलाई में देखिए क्या करना है। सातवें सिलाई में एक फंदे मैं एक्स्ट्रा रखी हूँ, इस फंदे को मैं स्लिप कर रही हूँ और तीन फंदे मैं बुनाई करूँगी और दूसरे कलर इसमें ऐड करूँगी। इसमें देखिए मैं ये दूसरे कलर का उनको ऐड कर रही हूँ। इसमें तीन फंदे में बुनाई कर रही हूँ, एक फंदा दो और ये तीन फंदे हुए और चौथे फंदे में हमें देखिए क्या करना है। ये चौथे फंदे हैं, चौथे फंदे के ये नीचे जाना है और इसमें ये चौथे एक दो तीन ये चार, ये चार ये जो नीचे से ये चौथी सिलाई नीचे में जो ये चोटी है इस चोटी में इसे डालकर सीधा बुनाई करना है। इस फंदे को इस तरह से स्लिप करना है और स्लिप करने के बाद इस तरह से हमें खोल देना है। ये देखिए खोल चुकी हूँ, धागे को अच्छे से खींचकर आगे फिर हमें तीन फंदे सीधा सीधा बुनाई करना है, एक दो और ये तीन, तीन फंदे बुनाई हुई। फिर चौथे फंदे में हमें क्या करना है, देखिए एक दो तीन और ये चार, ये चौथे सिलाई नीचे ये चार सिलाई नीचे चोटी में डालकर हमें इस तरह से फंदे निकालना है और इसे खोल देना है। देखिए इस तरह से मैं खोल चुकी हूँ। फिर हम तीन इसे अच्छे से खींच लेना है, खींच कर आगे बुनाई करना है, एक फंदा दो फंदा और ये तीन फंदा बनाई हुई। फिर चौथे फंदे में हम इस तरह से नीचे करेंगे, चौथी सिलाई नीचे में हम बुनाई करेंगे एक फंदा सीधा का और खींचकर हमें आगे फिर तीन फंदे की बुनाई करनी है, एक दो और ये तीन फंदे हुए। फिर इसमें देखिए एक दो तीन और ये चार, ये चौथे में इस तरह डालना है, सीधा बुनाई करना है, फंदे को स्लिप करना है और इस तरह से हमें खोल देना है। फिर आगे हमें तीन फंदे सीधा सीधा बुनाई करना है, एक दो ये तीन फंदे, चौथे फंदे में तो फिर देखिए इस तरह से नीचे जाना है, चौथे स्लिप करने के बाद हम इस तरह से फिर से हम खोल देंगे और ये फंदे हमारे लास्ट के हैं एक्स्ट्रा वाले, इस फंदे के से सीधा बुनाई कर लेना है। फिर हम रॉन्ग साइड आते हैं, रॉन्ग साइड में हम उल्टा बुनाई करेंगे। फिर दूसरे कलर के जो हम धागे लगाए हैं उसी धागे से हमें बुनाई करना है, उल्टा बुनाई करेंगे। इस तरह से हमें देखिए ये दूसरे कलर के धागे ऐड करने के बाद मेरा ये दूसरी सिलाई है। इस तरह से हमें सीधे उल्टे की बुनाई करते हुए हमें छह सिलाई पूरा करना है। ये दूसरी सिलाई है,
फिर देखिए हम ये तीसरी सिलाई में हम ये सीधा बुनाई करेंगे, धागा का कलर नहीं बदलना है, उसी धागे से हमें बुनाई करना है सीधा। इस तरह से हमें सीधा में सीधा, उल्टा में उल्टा, फिर सीधा में सीधा और उल्टा में उल्टा बुनाई करते हुए हमें 6 सिलाई बुनाई करने में, ये 3 सिलाई पूरी हो चुकी है, 4, 5 और 6, अभी 3 सिलाई और बुनाई करनी है। इसमें देखिए ये 6 सिलाई की बुनाई हो चुकी है। ये दूसरे कलर के धागे लगाने के बाद अब मैं देखिए ये पहला फंदे को मैं स्लिप करूँगी। देखिए क्या करना है, मैं अब दूसरे कलर के धागे से अब मैं ये वाले कलर को ऐड करूँगी और बुनाई करूँगी। देखिए इसमें पहले मैंने 3 फंदे के बाद ये चौथे फंदे में नीचे से फंदे निकाला था, अब मैं इस बार मैं करूँगी 1 फंदे बुनाई करूँगी और ये दूसरे फंदे में ही यहाँ पर देखिए 4 सिलाई नीचे वाले चोटी में डालकर, सॉरी मैं धागा बदलना है, देखिए यहाँ से 4 सिलाई नीचे वाली चोटी में हम से बुनाई करेंगे, फिर इस फंदे को स्लिप करने के बाद इसे हम खोल देंगे इस तरह से, फिर हम 3 फंदे की बुनाई करेंगे, 1, 2, 3 3 फंदे की हम सीधी सीधी बुनाई कर रहे हैं। फिर ये चौथे फंदे में आते हैं, इस चौथे फंदे में फिर देखिए 4 सिलाई नीचे वाली चोटी में डालकर हम बुनाई करेंगे, फिर इस फंदे को स्लिप कर देंगे और इस तरह से हम खोल देंगे, फिर 3 फंदे के सीधा सीधा बुनाई करेंगे, 1, 2, 3 फिर देखिए चौथे फंदे के चौथी सिलाई नीचे वाली चोटी में फंदे डालकर सीधा बुनाई करने के बाद इसे हम खोल देंगे, फिर हम 1, 2 और 3 फंदे बुनाई हुए। ये चौथे फंदे की फिर भी हम आते हैं यहाँ, ये चौथे फंदे जो हमारे होते हैं जब दूसरे कलर को हम ऐड करते हैं तो ये बीच में आते हैं, देखिए ये बीच वाले जो हैं, ये 3 फंदे जो हम बुनाई करते हैं वे दूसरे फंदे में आते हैं यहाँ पर, इस बात का हमें ध्यान रखना है। फिर हम 3 फंदे की बुनाई करेंगे, 1, 2 और 3 फंदे हुए, चौथे फंदे हमारे ये बीच में आते हैं, देखिए इस तरह से, फिर हम खोल देंगे और फिर से हम 1, 2 और 3 फंदे में सीधा बुनेंगे। फिर से हम एक सिलाई हमारी है दूसरे कलर के जो धागे हमने ऐड किए, ये एक सिलाई की बुनाई हो चुकी है, इस तरह से हमें 5 सिलाई और बुनाई करना है। जैसे रॉन्ग साइड में हम आएंगे तो उल्टा बुनाई करेंगे और फिर राइट साइड में आएंगे तो सीधा बुनाई करेंगे, इस तरह करते हुए हमें 5 सिलाई और बुनाई करनी है। उसके बाद फिर से हम दूसरे कलर के धागे को ऐड करेंगे, इस तरह से इस प्रोसेस को हम रिपीट करते जाएंगे और पैटर्न बनकर इस तरह से तैयार हो जाएगा। तो यदि आपको ये पैटर्न पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।